हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा कि WBM क्या होता है। दोस्तों, मेरी स्क्रीन में आप सेक्शन 400 देख रहे हैं मूर्त का, उसमें लिखा हुआ है वाटर बाउंड मकैडम। ये WBM का फुल फॉर्म होता है, वाटर बाउंड मकैडम। ये सब बेस और बेस कोर्स में यूज किया जाता है। इसका हम क्या करते हैं कि जो कोर्स एग्रीगेट होता है, बड़े बड़े साइज में एग्रीगेट लेते हैं, ब्रोकन स्टोन लेते हैं, बड़े बड़े पत्थर लेते हैं, इसमें बड़ा साइज रहता है इसका, और उसको हम इंटरलॉक करके, रोलिंग करके, और फिर जो लेयर बनाते हैं वो WBM कहलाती है। इसमें क्या है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसमें दी हुई है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इसमें क्या क्या होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स। जैसे इसमें टेस्टिंग दिया हुआ है कि लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करना है, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट करना है, और कंबाइंड प्लेगनेस एलोंगेशन टेस्ट करना है। IS कोड भी दिया हुआ है कि किस IS कोड से हमको टेस्ट करना है इसकी। जैसे लॉस एंजल एब्रेशन तो IS 2386 Part 4, और इसका जो लिमिट दी हुई है 40% मैक्सिमम दिया हुआ है। AIB की लिमिट 30% मैक्सिमम दिया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और AIB जो चेक करना है हमको IS 2386 Part 4 के अकॉर्डिंग करना है। और इसमें एक दिया हुआ है कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड इलांगेशन टेस्ट। कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड इलांगेशन टेस्ट जो करना है वो IS 2386 Part 1 के अकॉर्डिंग करना है, और इसकी लिमिट जो है 35% मैक्सिमम दी हुई है। तो इसमें आप फिजिकल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, और हम इसी में आगे चलेंगे जब, तो हम देखेंगे इसमें जो इसकी ग्रेडिंग होती है और साइज जो होती है, वो कितनी रिक्वायरमेंट है साइज की, कितनी साइज का जो हम पत्थर इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगले स्क्रीन में अभी देखिए आप, जो ये नेक्स्ट स्क्रीन आएगी WBM जो ग्रेडिंग रिक्वायर्ड, वो आप Table 400-9 में देख सकते हैं। आप ग्रेडिंग ग्राउंड पर कोर्स एग्रीगेट, जो भी कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं, दो तरह का कोर्स एग्रीगेट लेंगे। इसमें साइज जो रेंज रहेगी उसकी, साइज रहेगी वो 63 mm से 45 mm तक पहली रेंज रहेगी ग्रेडिंग फर्स्ट में, और दूसरी जो ग्रेडिंग रहेगी वो 53 mm से 22.4 mm रहेगी। इसके बाद आप नेक्स्ट टेबल देख रहे हैं, आप Table 400-10, इसमें ग्रेडिंग दिया हुआ है कि जो ग्रेडिंग है अपना वो कौन कौन सी ग्रेडिंग, 13.2 mm और 11.2 mm, जो इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा सीव उसमें यूज हो रही है, पहले वाले जो आपने ग्रेडिंग देखा है उसमें जो यूज हो रही है, तो उसके बारे में दिया हुआ है कि हम कौन कौन सी पासिंग मटेरियल यूज करेंगे, इसके पासिंग परसेंटेज क्या रहेंगे, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और टेबल 400-11, उसमें देखेंगे आप कि लिखा हुआ है कि जो क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग फर्स्ट और सेकंड का, उसकी रेंज भी दी हुई है कि भाई 63 mm से 45 mm और 53 mm से 22.4 mm तक रहेगी, और कंपेक्टेड जो थिकनेस है वो 75 mm रहेगी दोनों में, ग्रेडिंग फर्स्ट हो चाहे ग्रेडिंग सेकंड हो, दोनों की जो थिकनेस है कंपेक्टेड थिकनेस वो 75 mm तक रहेगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं लूज क्वांटिटी जो डालना है इसमें 0.912-1.07 mq रहेगी, 1 mq में इतनी क्वांटिटी आएगी अपनी लूज क्वांटिटी। इसके हिसाब से हमको काम करवाना है WBM का। ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन और साइज के हिसाब से इसमें टाइप जो दिया हो कि टाइप ए में आप देख सकते 13.2 mm दिया है, और टाइप बी में 11.2 mm दिया है, तो ये दोनों की जो साइज है, तो इसमें रिक्वायर्ड जो साइज है वो दिया हुआ है। तो स्टोन स्क्रीनिंग देख सकते हैं आप WBM के लिए, WBM सब बेस कोर्स के लिए जो लूज क्वांटिटी रहेगी ग्रेडिंग पार्ट में 0.12-0.15 mq रहेगी पर mq के हिसाब से, और ग्रेडिंग सेकंड में 0.18-0.21 mq रहेगी mq के हिसाब से। और देख सकते हैं यदि हम 53 mm का यूज करते हैं, 53 mm to 22.4 mm, तो उसके लिए अलग है, और यदि 63 mm to 45 mm यूज करते हैं तो उसके लिए अलग दिया हुआ है। तो इस तरह हम दोस्तों देख सकते हैं, उम्मीद है कि WBM क्या होता है इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब कुछ इस वीडियो में दिया हुआ है। आप ध्यान से और अच्छे से रीड करेंगे तो और भी बढ़िया समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत।